ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। बेटे की हत्या को लेकर धौलपुर की सड़कों पर बवाल। पूर्व प्रधान मोनू जादौन भी उतरे धौलपुर की सड़कों पर। गोगा मेडे की हत्या को लेकर धौलपुर की सड़कों पर बवाल। राजपूत समाज के श्री करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी कुछ लोगों ने जयपुर के श्याम नगर उनके निवास पर दिन दहाड़े गोली चलाकर हत्या कर दी थी। इस हादसे से पूरे राजस्थान में बवाल मचा है। ऐसे में धौलपुर में भी राजपूत समाज के लोगों ने एकत्रित होकर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। गोगा मेडी की न्याय दिलाने के लिए धौलपुर की सड़कों पर उतरे पूर्व प्रधान मोनू जादौन, विनय परमार, शहनशाह सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर सहित आदि लोगों ने राजपूत समाज के साथ धौलपुर की सड़कों पर जन आक्रोश निकाला। इस दौरान धौलपुर की सारी दुकानें बंद नजर आईं। जन आक्रोश रैली के आगे धौलपुर पुलिस का जाता तैनात रहा। कोई बड़ी जनहानि न हो इसके लिए पुलिस के इंतजाम भी चाकूस बंद नजर आए। इसी दौरान राजपूत समाज के लोगों ने उड़ेला रोड क्षेत्रवास से होकर शंता रोड, सब्जी मंडी, लाल बाजार, जगन टॉकी, हरदेव नगर होते हुए जिला कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सुखदेव गोगामेडी को न्याय दिलाने की मांग की। आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, कल की जो दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसमें उचित कार्रवाई और तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। जो भी हो तुरंत फैसला हो, अन्यथा जो जनता में आकर उसे आप देख रहे हैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। कल जो घटना जयपुर के अंदर हुई है कोई निंदनीय घटना है और ऐसी घटना का अपन सभी समाज निंदा करता है। अगर दोषियों को जल्दी से जल्दी अगर सजा नहीं दी गई, नहीं पकड़े गए तो राजपूत समाज तो छत्तीसगढ़ कौम सर्व समाज पूरे देश में पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। हमारा कि आप सभी साथ दें और जो कल किया उनके खिलाफ सख्त सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सलाखों के पीछे ढकेला जाए। जय हिंद, जय भारत। हमारी राज्यपाल महोदय के नाम आज हम सब समाज के लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मांग है कि इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच हो और दोषियों को जल्दी से जल्द फांसी पर लटका जाए, अन्यथा लेट लतीफी हुई तो पूरा भारत बंद कर दिया जाएगा और उसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। हमारे सुखदेव जी गोगामणि की जो निर्मम हत्या की है, घर में घुसकर वही अपराध तत्वों को जब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक हमारा आंदोलन शांत नहीं रहेगा। आज हम ज्ञापन देने आए हैं, हम फांसी की मांग करते हैं। और ये सुखदेव जी के सीने में गोली नहीं लगी है, ये पूरे राजपूत समाज के सीने में गोली लगी है। हम सभी समाज के सीने में गोली, हम इसे सहन नहीं करेंगे और अभी तो हम ज्ञापन दे रहे हैं। आगे चल के हमारा उग्र प्रदर्शन होगा, पूरे राजस्थान में होगा और पूरे भारत में होगा। अजयराज सिंह, जिलाध्यक्ष करणी सेना। जिस प्रकार से सब समाज के कैसी सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की निरोपूर्व हत्या कर दी गई थी, उनकी हत्या इस प्रकार की गई थी कि जैसे मतलब घर में जाके उनको मार दिया गया। आज पूरा राजपूत समाज नहीं सर्व समाज इसका विरोध करता है और राजस्थान के अंदर अगर उन हत्यारों को फांसी नहीं दी गई, उनका एनकाउंटर नहीं किया गया तो आप ये समझ लो कि वर्तमान में यहाँ से आगे करणी सेना रोडों पर आएगी इसी प्रकार से और आंदोलन करेगी पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में ऐसे ही आंदोलन होगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।